हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सोल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां से, जो हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे थे, परसेंटेज की क्लास नंबर 10 हम लोग यहां से देखेंगे। पीछे हमारी परसेंटेज की 9 क्लास हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास के बारे में और इस क्लास के माध्यम से हम लोग टारगेट करेंगे SSC CGL और आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों को। इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज की अपनी क्लास के बारे में और क्लास को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और फिर इस क्लास को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से पढ़ो और एक बार देखो, वही जो हम लोग टाइप नंबर 12 पढ़ रहे थे उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोग टाइप नंबर 12 पढ़ रहे थे उसी का ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सभी ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर करेंगे। ब्राजील की 10% जनसंख्या क्या है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? ठीक है, हाँ, ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, बचे हुए भाग की 10% जनसंख्या अमेरिका में प्रवास करती है तथा शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है। यानी इन्होंने बोला क्या है आपसे, इन्होंने बोला है प्रवास करने का मतलब यह है कि वो जनसंख्या जो है वो ब्राजील से दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, यानी ब्राजील से 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में चली जाती है, फिर बचे हुए भाग का 10% जनसंख्या में सॉरी अमेरिका में, फिर बचे हुए भाग का 10% ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है और ब्राजील में केवल है ना 364,500 औरतें शेष रह जाती हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि लोग जो है अपने ब्राजील से, यानी उस ब्राजील के जो लोग हैं वो 10-10% करके जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, अदर देशों पे या दूसरे देशों पे जा रहे हैं। तो देखो जरा, आपको पता है कि भाई मेरे 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर बात करें तो 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, यानी कि 10% जनसंख्या जो है चली जाती है, तो कितने हो जाते हैं वो 10 से 9 हो जाते हैं। बोलो पहले वहां पे जनसंख्या मान लें कि 10 थी तो अब कितनी बची, 9 बची, क्योंकि अब तो वहां चले गए 10%, है ना, मतलब कि 10 में से एक जो है वो कहाँ चले गए, वो चले गए दक्षिण अफ्रीका में, तो 10 में से 9 बचे। फिर बचे हुए भाग का 10% जनसंख्या अमेरिका में, है ना, अमेरिका में चली जाती है, तो फिर 10% चली गई, तो फिर 10 से 9 हो गया, फिर कमी हो गई। भाई ब्राजील से लोग जा रहे हैं तो ब्राजील में तो कमी होगी ना, तो 10% लोग गए तो 10 में से 1 की कमी 9, फिर से 10 में 1 की कमी 9, फिर शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यानी फिर 10 में से कमी हो जाएगी 1 की तो 9। बात आप समझ गए, ये 3 बार यहाँ पे कमी हो रही है, कितने बार कमी हो रही है यहाँ पे, 3 बार कमी हो रही है। फिर बोले और ब्राजील में केवल क्या हुआ कि इतना सब होने के बाद ब्राजील में केवल 364,500 कितनी महिलाएं बसती है, 364,500 महिलाएं बसती है। कब, इतनी सब कमी होने के बाद 10% लोग दक्षिण अफ्रीका चले गए, 10% लोग अमेरिका चले गए, 10% लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, है ना। तो ये अब जो है, जो अब जनसंख्या बचेगी उसमें केवल 364,500 औरतें शेष बचती, यानी उन्होंने सिर्फ औरतों की संख्या दी है कि इतनी है। दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास पूर्व मतलब जाने के पहले औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी थी, यानी कि जो औरतों की संख्या थी वो पुरुषों की संख्या से आधी थी, यानी औरतों की संख्या पुरुषों की आधी थी। अगर पुरुषों की संख्या 2 थी तो औरतों की संख्या 1 थी, हमें आधी करना है। अगर आप पुरुषों की संख्या 4 मानोगे तो औरतों की संख्या 2 होगी, क्योंकि पुरुषों की संख्या से औरतों की संख्या आधी थी। यानी कि वो यहां से आपको ये पता चलेगा कि टोटल कितने लोग थे, टोटल थे 3 लोग। अब जरा ध्यान दो कि इसके बाद, किसके बाद, ये सभी होने के बाद, मतलब कमी होने के बाद क्या बोला है
ब्राजील में केवल 3,64,500 महिलाएं बसती हैं। तो ये जो है ये महिलाओं का रेशियो है। और उसके बाद देखो आगे पढ़ो, पूरी संख्या में आधी थी तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की संख्या, यानी जो प्रवास से पहले जो रेशियो था 2:1 का, यानी महिलाएं पुरुष की आधी थी, वही अनुपात वही रेशियो रहेगा इतने लोगों को देश छोड़ के जाने के बाद भी, है ना। रेशियो ये वही रहेगा, पुरुष और महिलाओं का रेशियो वही रहेगा, ये उन्होंने बोला है। तो ये किसका है, ये महिलाओं का सिर्फ है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ महिलाओं से डिवाइड करेंगे। महिला कितनी है, एक। और टोटल जनसंख्या पता लगाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3। बोलो, ये जनसंख्या सिर्फ औरतों की दी है 3,64,500, तो हम उसको औरतों से ही डिवाइड करेंगे और टोटल पता लगाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज बताओ जरा कि ये जो है जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटल संख्या हो जाएगी, और कौन सी ये संख्या होगी, प्रवास करती है तो ब्राजील में केवल इतनी औरतें शेष बचती हैं। शेष बचने का मतलब क्या है, लोगों के ब्राजील से बाहर चले जाने के बाद की जनसंख्या ये, यानी ये कौन सी है, ये अब की जनसंख्या है, बाद की जनसंख्या है ना। तो ये क्या हो गई, ये बाद की जनसंख्या आई। बाद की जनसंख्या क्यों आई, क्योंकि हमें इन्होंने बाद की ये संख्या दी है तो हमने उसका टोटल निकाला है। जो बाद की उन्होंने महिलाओं की संख्या दी बची हुई, हमने उसका टोटल निकाला तो बची हुई संख्या ही आएगी, है ना। टोटल संख्या नहीं आएगी, वो बची हुई संख्या आएगी जो दिया है, यानी कि शेष कितने रह जाते हैं। तो भाई 10 के बाद 9 बचे, फिर 9 बचे, तो यही शेष है। तो 9, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, और इधर कितना है 1,000, बताओ। तो आपको ये बताना है मेरे भाई, तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या कितनी थी, देखना जरा। आपको पता हो गया कि अभी जनसंख्या कितनी है, 3,64,500 में 3 का गुणा करेंगे तो ये टोटल जनसंख्या बाद की है, लोगों के जाने के बाद। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, लोगों के जाने के बाद वाले सर। और हमें चाहिए कि भाई टोटल क्या है ना, मतलब कि कितने लोग थे पहले, तो जो अभी आएंगे उसमें से हम क्या करेंगे, 1,000 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बात सही है क्या। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो 9, 7 × 35, अगर हम इसको 5 से गुणा करें, अगर हम इसको 5 से गुणा करें तो 9 × 45 का 5, और 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 14 का 4, 7 × 35 = 36, यानी ये डायरेक्ट 729 से 5 बार कट जाएगा। तो आपके पास कितना आया, आपके पास आया 5 × 3 = 15 और 3 0, वो बताओ। अच्छा 2 0 तो इसके भी आएंगे ना, ये तो यहाँ पे आएगा 500, ये तो 5 बार कटा, 2 0 और है, तो 2 0 और, तो कितना हो गया, 15 लाख, है ना। कितना, 15 लाख, आंसर नंबर आपका बी सही होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ब्राजील के लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, ब्राजील को छोड़ के जा रहे हैं। पहले 10% गए तो 10 में से 9 बचा, फिर 10% गए 9 बचा, फिर 10% गए 9 बचा। उसके बाद उन्होंने बड़ी होशियारी से ये बोला कि लोगों के जाने के बाद क्या होता है, इतनी औरतें शेष बचती हैं, यानी वो जाने के बाद का रेशियो है, जाने के बाद की सारी संख्या है वो, यानी ये वाली। पहले तो लोग इतने थे, जब चले गए तो इतने बचे, यानी ये जो संख्या दी है ये जाने के बाद की है। तो हमने क्या किया कि वो सिर्फ औरतों की संख्या थी और रेशियो इन्होंने दिया, तो हमने उसको औरतों की संख्या से डिवाइड किया और टोटल का गुणा करा दिया, तो हमें टोटल पता चल गया। और ये टोटल वो संख्या है जो लोगों के जाने के बाद की है, तो लोगों के जाने के बाद की टोटल संख्या रेशियो में 729 थी, इसलिए हमने इसको 729 से डिवाइड किया और 1,000 का हमने गुणा करा दिया, क्योंकि हमें लोगों के प्रवास के पहले की जनसंख्या चाहिए, लोगों के जाने के पहले की संख्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाओ। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी खपत में 20% की कमी होती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है,
ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या है कि ये है टाइप नंबर अगला, है ना। टाइप नंबर 12 हम लोग कर चुके हैं, तो ये टाइप नंबर होगा हमारा 13। कौन सा होगा ये? ये हमारे पास टाइप नंबर 13। अब इसे जरा ध्यान से पढ़ो, इसमें है क्या? देखो, इसमें बस तीन चीजें होंगी। एक तो पहला मूल्य है ना, मूल्य में वृद्धि। देखो, एक पहली चीज मूल्य है, एक क्या है इसमें, एक है मूल्य, दूसरी है खपत, और तीसरा है खर्च। बस यही तीन चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो देखो जरा, अगर हम क्या करें, पहले बात समझना, खपत इंटू मूल्य तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा खर्च। बताओ बात सही है कि नहीं, जरा ध्यान से समझना। अगर बोला जाए कि आपके घर में 5 किलो चीनी लगती है और 1 किलो चीनी का मूल्य 25 रुपए है, तो पूरा खर्च कितना हुआ, 125। बात समझे कि नहीं? आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप खपत के साथ मूल्य का गुणा करोगे, अगर आप खपत के साथ मूल्य का गुणा करते हो, तो आपका टोटल खर्च निकल के आता है। ध्यान से समझो, आपके यहाँ अगर बोले कि 5 किलो चीनी लग जाती है, या 2 किलो या 3 किलो, जो भी टोटल एक मंथ में कितनी लगती है, मान लेते हैं 5 किलो लगती है, और 1 किलो चीनी कितने की आती है, 25 रुपए की, तो 25 पंचे 125, टोटल खर्च कितना हो गया, 125। बात सही है कि नहीं? खर्च बराबर क्या होगा, खपत गुणे में मूल्य। बस इतनी सी बात आपको समझनी है ना। खपत थी आपकी 5 केजी, है ना, खपत थी आपकी 5 केजी, मूल्य था उसका 25 रुपए, तो आपके पास खर्च कितना आ गया, टोटल 125। यानी कि खर्च बराबर खपत गुणे में मूल्य, या मूल्य गुणे में खपत, बात बराबर है। इतनी सी बात है। अब देखो जरा, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि, है ना, हो जाती है, जिससे उसकी खपत में 20% की कमी, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमसे खर्च बोला है, तो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर आपको पता है मेरे भाई कि मूल्य और गुणे में खपत, है ना। बस एक चीज हमें यहां पे लिख देंगे कि पहले क्या था खर्च, और अब क्या आएगा। बस यही तो है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले और अब में, भाई जब कोई चीज दो भागों में होगी तभी तो प्रभाव पड़ेगा, पहले और बाद में। चलो देखो जरा, 40%, 40% का मतलब 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। 20% का मतलब कितना है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 20% का मतलब कितना, 20% का मतलब है आपका 1/5, ठीक है। तो मूल्य में क्या हुआ है, मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है। अगर ये 5 था, तो ये 5 में 2 की वृद्धि, तो 7 हो गया है। खपत में क्या हुआ है कि अगर ये 5 था, तो 5 में खपत की कमी हुई है ना, खपत के साथ माइनस हुआ है, इसके साथ प्लस हुआ, खपत में कमी हुई है, तो 5 में से 1 की कमी हो गई, तो ये कितना हो गया, 4। और इनका हम गुणा करा देंगे, तो 5 × 25 और 7 × 28। बात समझ में आई क्या, बोलो बात समझ में आ गई आपको, कितना हुआ, 7 × 28। अब देखो जरा, हेलो, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो यहां पे 25 से बढ़ के 28 में, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, 25 पर, तो 100% कितना, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, यानी 4 × 3 = 12, यानी उसमें कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा, 12% का फर्क पड़ेगा। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। बस हमें यह समझना था कि जैसे हमने देखा था कि भाई हमारी आय क्या होती है, व्यय प्लस सेविंग बराबर आय होती थी। बस हमने उस फार्मूले को बेस मान के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ पे क्या है भाई, यही तीन चीजें मिलेंगी, तो खर्च बराबर खपत गुणे में मूल्य। हमसे खर्च पूछा था इन्होंने, तो हमने क्या किया,
मूल्य गुणे खपत या खपत गुणे मूल्य बात सेम है। मूल्य गुणे खपत, मूल्य में 5 से 7 की वृद्धि हुई, खपत में 5 से 4 की कमी, 1 की कमी हो गई तो 5 से 4 हुआ। इंटू कराना तो हमने इंटू करा दिया 25 से 28, यानी 3 की वृद्धि किस पर, इस 25 पर, तो बटे में 25, 100% क्या 12%, यानी कि कुल क्या प्रभाव पड़ेगा 12% का प्रभाव पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि 77 नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। देखो यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, अब देखो 25% का मतलब कितना होगा 1/4, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40%, 40% अभी लिखा गया था 2/5, ठीक है, ये दोनों हमें परसेंटेज दिए हुए हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, यानी अब की बार आपसे पूछा है खपत। तो देखो आपको पता है मेरे भाई कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत बराबर होता है खर्च, है ना। अब आपको इन्होंने पूछा है खपत, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा खर्च और बटे में मूल्य, खर्च बटे में मूल्य, ये फार्मूला बन जाएगा। बताओ तो बस हमें इसी को लगाना है, ठीक है। देखो जरा यदि चावल की कीमत में, कीमत मतलब कि मूल्य में, अब हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे करेंगे इसको कि हमें देखो पहले तो एक चीज होगा कि पहले और बाद या कि अब, तो पहले हम क्या लिखेंगे खर्च लिखेंगे और खर्च में हम भाग देंगे किसका, मूल्य का। अब की बार हमें क्या करना है, भाग देना है, बात समझ गया। चलिए अच्छा तो देखो खर्च में क्या प्रभाव पड़ा है, खर्च 40% कम हो जाता है, है ना। तो खर्च 40% कम हो जाता है यानी 5 में 2 की कमी होगी तो क्या होगा खर्च, 5 से 2 की कमी तो 5 से 3 हो गया। और कीमत में यानी कि मूल्य में क्या हुआ है, 25% की वृद्धि, 25 का मतलब 1/4, यानी ये पहले 4 था तो अभी कितना हो गया है 5 हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है, खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च ये हो जाए। तो देखो भाई मेरे, तो यहां पे भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 4 में 3, क्या बचेगा 4 से 3, 5 से 5 कट गया 4 से 3 आया, तो हमें कितने की कमी करनी चाहिए चावल में ताकि चावल में होने वाला खर्च बराबर हो जाए। तो देखो 4 से 3 1 की कमी हुई है, हमें 1 की कमी करनी चाहिए किस पर, 4 पर, है ना। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, तो 100% कितना, तो ये तो 25 आ रहा है भाई, है ना, खर्च अपान में मूल्य, 25% की वृद्धि होती है, 4/25 1/4, 4 में 1 की वृद्धि 4 से 5, खर्च में 40% की कमी होती है, 5 में 2 की कमी, ठीक है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, अच्छा ये आया आपका इसका, तो ये तो खपत ही निकल के आएगा कि ये खपत बराबर इतना, ये तो आपका खपत ही निकल के आएगा, है ना भाई। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में दिक्कत तो नहीं है, एक बार ऑप्शन को चेक कर लेते हैं भाई।
ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पच्चीस परसेंट और 25% की वृद्धि। 4 मेघ की वृद्धि 4 से 5, 40% यानी कि और 140, 40% ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। तो 40% का मतलब 5 में 2 की कमी, 5 से 3 हो गया, और 25% की वृद्धि होती है तो 4 से 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, 4 और 3 बस, तो यहाँ पे 1 ही रहा है, 1 की कमी हो रही है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका है, उसको जरा देखते हैं एक बार करके, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे खपत आपको निकालना है, तो ये खर्च बटे में मूल्य है ना, क्या है, खर्च बटे में मूल्य। आपको पता है कि जब भी ऐसा रेशियो लिखा हो ए बटे बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या, बी अनुपात है ए, हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता है। तो हम एक बार ये कर लेते हैं कि मूल्य, देखो अगर आपको एक तरीका ये होता है कि अगर आपको खपत का रेशियो निकालना है, तो आप मूल्य अनुपात खर्च निकाल दो, यानी कि मूल्य और खर्च का रेशियो निकालोगे वही खपत का रेशियो होगा। तो मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है तो ये हो जा रहा है 125%, खपत में 40 की कमी हो रही है तो ये हो जा रहा है 60%। ठीक है, तो अब इसको जरा काटो, 25 से 25 या 12, 5 60, 5 से काटना पड़ेगा क्या, 5 से काटना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 बचा 2, 5 25 अनुपाते, 5 से कटेगा 12 बार, तो 25 अनुपाते 12 आया आपके पास यहाँ पे। इतनी बात समझ गए, तो अब अगर देखें तो ये जो रेशियो आएगा ये खपत का ही आएगा, किसका आएगा, ये खपत का आएगा। तो 25 से 12 हो गया है, कितने की कमी हुई है, आप बोलोगे कि 13 की कमी हुई है, किस पर, 25 पर, तो 100% क्या, 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो 13 चौके 52, ऑप्शन नंबर तो आपका डी आ गया। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है ना, बोलो। ये इसका दूसरा तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि देखो, ये खर्च बटे में मूल्य दिया है, तो ये मूल्य उठ के इधर चला जाएगा, क्योंकि बटे में है, इधर चला जाएगा। तो अगर हम मूल्य और खर्च का रेशियो निकालेंगे तो ये खपत का ही रेशियो आएगा, किसका आएगा, ये आपका खपत का ही रेशियो आएगा। बात आप समझ रहे हैं, जब भी कोई भी ऐसे बटेम दिया हो तो आप नीचे वाले को इधर बेच सकते हो, वो खपत का रेशियो आएगा, है ना, या जिसका पूछा होगा वो उसका ही रेशियो आएगा। यहाँ पे खपत का पूछा है तो ये खपत का रेशियो आएगा, हमने निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर डी। ठीक है भाई, आंसर हमारा कितना आ गया, यहां से आंसर आ गया हमारा डी, बोलो। ठीक है भाई, चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ये तो हो गया, ये तो आंसर तो आपका आ गया 52%, इसको एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। भाई खर्च जो है वो 40% कम हुआ है, और 40% का मतलब है 2/5, यानी 5 में से 2 की कमी क्या हुआ है, 5 में से 2 की कमी, यानी ये 5 से 3 हो गया है। ठीक है, अगली बात अगर देखें, मूल्य जो है, मूल्य मूल्य में 25 की वृद्धि हुई है, यानी कि
चार से एक की वृद्धि हुई है, पांच हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे कि भाग देंगे, हमें इनमें भाग देना है। अच्छा, हमें इनका भाग देना है। तो 5/4 है हमारा और 3/5 है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अच्छा, यहां पे हमें इसको भाग करना है ना। तो ये 5 इधर जाएगा और इसे 4 इधर जाएगा, तो कितना आएगा? 5 25 और 4 3 12। तो ये लो आ गया, यहाँ पे भी वही 13 की कमी 25 पर, तो आंसर आपका आ जाएगा 52 है ना। कभी कभी दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो एक चीज की वजह से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अगर गुणा कर रहे होते तो वो क्रॉस में जो होती है चीजें वो कट जाती, लेकिन हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं ना, यही मिस्टेक हो रही थी। चलो ठीक है, इसको समझ लेना। ऐसे भी इसको कर सकते हो और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना सब ना करने की जरूरत हो तो इतना बस कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है। अब 25% का मतलब क्या होता है भाई? 25% का मतलब होता है कि 1/4। इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस व्यक्ति वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की है। कितने की? 20 kg की। तो खपत कितनी थी पहले, कितनी खपत थी? अब देखो हमें फिर यहां पे खपत निकालना है। क्या निकालना है? खपत। बात समझ रहे हो? तो आप चाहो तो खपत निकालने के लिए आप खर्च में किसका भाग दे सकते हो? खर्च में आप भाग दे सकते हो कि मूल्य का, किसका? खर्च में आप भाग दे सकते हो उसके मूल्य का। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, तो सीधे मूल्य और खर्च का रेशियो निकाल दो। ऐसे मूल्य रेशियो में खर्च, तो इससे जो रेशियो निकल के आएगा वो खपत का ही आएगा। देखो जरा, जैसे यहां पे किया गया था मूल्य रेशियो, क्योंकि भाई आप मूल्य जो है इसको इधर भेज दो, तो मूल्य और जो खर्च का अनुपात होगा वही खपत का अनुपात होगा भाई, वही सेम चीज है ना। तो देखो जरा, कीमत में यानी मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। 100, हर चीज 100 होती है, 25 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 125। ठीक है, अब व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु में, है ना, अब हमें क्या करना है कि हमें व्यय को समान रखना है। बताओ जरा, तो हम एक काम करते हैं, इसको 25 की वृद्धि 4 से 5, व्यय को समान रखना है, यानी कि जो हमारा खर्च, खर्च को समान रखने के लिए। ये तो 125 हो गया, 20 किलोग्राम की वृद्धि की। दूसरा तो इसमें हमें रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक काम करेंगे कि हम इसको ऐसा ही करते हैं कि हम यहाँ पे रखेंगे खर्च और यहाँ पे रखेंगे मूल्य। ठीक है, खर्च में क्या हुआ है, 25% का मतलब होता है 1/4 कमी की गई है, यानी इसको क्या किया गया है, 4 से 3 किया गया है ना। और जो उसका व्यय है, उसका क्या है, जो उसका व्यय है ना, मूल्य खपत और उसका जो खर्च, हमसे पूछा है कि भाई उसकी खपत कितनी थी। तो अब देखो हमें क्या करना है, पहले खपत कितनी थी, व्यय को समान रखना है हमें। हमें किसको समान रखना है? हमें जो उनका व्यय होगा, जो उनका खर्चा होगा, उसको समान रखना है ना। इसलिए व्यय को समान रखने के लिए परिवार ने क्या कर दिया, उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी है। उन्होंने क्या कर दिया, उस वस्तु के में क्या कर दिया उन्होंने भाई, 20 किलो की वृद्धि कर दी है। कितने किलो की? 20 किलो की। ठीक है, बोल, उसके व्यय को समान रखने के लिए खर्च। अच्छा, यहां पे तो ये उल्टा लिख गया भाई, रुको।
देखो यहाँ पे क्या है, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए, यानी कि हमें व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में इतने कर दी, तो पहले खपत क्या थी? देखो जरा हम क्या करेंगे कि भाई मूल्य है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या किया है कि मूल्य जो है ना, मूल्य के बाद जो इसकी खपत होगी, देखो व्यय व्यय समान रखना है, यानी कि खर्च, व्यय का मतलब खर्च ही तो होता है, हमें इस लाइन पे ध्यान देना होगा कि व्यय को हमें समान रखना है। व्यय को क्या रखना है भाई, व्यय को समान रखने में तो हमें व्यय को समान करना पड़ेगा। तो भाई देखो जो खर्च है, यानी जो अनुपात आएगा भाई, व्यय का अनुपात कब आएगा, जब आप मूल्य और खपत का गुणा करोगे तभी तो खर्च निकल के आएगा, व्यय निकल के आएगा, तो जो व्यय होगा इसको हमें समान रखना है। तो अब हमें करना क्या है कि मूल्य में इन्होंने बोला है 100 कितने की 25, यानी कि 4 में से इसको 5 किया गया है, बताओ। तो खपत अगर हमें इसकी जो व्यय को समान रखना है तो हम क्या कर दें, इसको 5 से 4 कर दें। अगर आपने इसको 4 से 5 किया तो हम इसको 5 से 4 कर दें। और ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, ये आपने पढ़ा हुआ है कि इसके पहले जिसमें हम क्या करते थे कि हमारा खर्च हमारी जो है रेट इतना बढ़ गया, हमारी इनकम वही है, तो हमने वहां पे क्या किया था, इसको किया था आयत में था कि भाई क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो हम लंबाई कितनी बढ़ा दें, तो उसमें हम जस्ट क्या कर देते थे, चौड़ाई का उल्टा कर देते थे। तो हमें इस बात को समझना था कि व्यय को समान रखना है, यानी कि हमें व्यय का रेशियो आएगा मूल्य और खपत में, तो व्यय भाई मूल्य और खपत का गुणा होगा तभी तो व्यय आएगा, और हमें व्यय को समान रखना था। अब देखो जब इनका आप गुणा करोगे तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, देखो व्यय इनका समान है कि नहीं, क्या है खर्च या व्यय जो है वह इनका समान हो गया। तो उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की, पहले कितनी खपत थी, है ना, उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की है, यानी कि 20 किलोग्राम की उन्होंने वृद्धि की है, तो यानी एक बराबर कितना है, एक बराबर है आपका 20 केजी, एक बराबर 20 केजी। तो पहले खपत कितनी थी, पहले भाई मेरे खपत कितनी थी भाई, बताओ जरा, बताओ भाई पहले उसकी खपत कितनी थी, कीमत में 25% की वृद्धि हुई, 4 से 5 हुआ है, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको 5 से 4 कर दिया, तो पहले इसकी खपत क्या थी, बताओ भाई, तो पहले खपत बोलो, तो हमें क्या बताना है इसका, इसका हमें बताना है कि भाई पहले इसकी खपत कितनी थी। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है क्या, कि 25% की कमी हुई है ना, हम लोगों ने वृद्धि कर दी, तो ये 4 से 3 होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 3 से 4 करना पड़ेगा, है ना, जो इसका हुआ है उसका उल्टा कर देंगे तो ये सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 12 और 4 3 12, वे हमारा समान आ जाएगा, है ना। तो 1 बराबर 20 है, तो पहले खपत कितनी थी, ये है हमारे पास पहले और ये है बाद, तो पहले खपत कितनी थी, पहले खपत थी 3, तो 20 गुणे में 3 आपका आ जाएगा कि 60 केजी, पहले खपत कितनी थी 60 केजी, है ना। काफी टाइम लगा इसमें, हमें बस ये लाइन समझनी थी, व्यय को समान रखना है, यानी व्यय को समान रखना है तो व्यय का रेशियो कब आएगा, जब हम लोग मूल्य गुणे खपत करेंगे। तो हमने मूल्य 4 से 3 हो गया, 25% की कमी हुई थी, 4 से 3 हो गया, तो इसको हम 3 से 4 कर देंगे, तो जो खर्च आएगा या जो व्यय का रेशियो होगा वो समान आएगा। और 1 बराबर 20 केजी था, पहले खपत थी 3, तो कितना 60। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। चलो एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की गई, 25% की क्या की गई है, 25% की वृद्धि यानी 1/4, और फिर 30%, 30% का मतलब होगा 3/10, है ना, कि कमी की जाती है वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करो, पहले कीमत में और उसकी कीमत में, सॉरी, एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री घट जाने के कारण
उसकी कीमत 30% की कमी की जाती है। अच्छा, इसको तो हम नॉर्मल कर सकते हैं। पहले क्या किया गया है, पहले उसमें 25% की कमी की गई है, यानी कि उसको 4 से 3 कर दिया गया है। फिर बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है, यानी कि अगर वो 10 की थी तो फिर इसको 7 कर दिया गया है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास 25 4 से उसको अच्छा पहले वृद्धि की जाती है ना, तो 4 से क्या हुआ है 5 हुआ है, बाद में कमी की जाती है। तो यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे हो गया 35, तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है 40 पर, तो 100% कितना। तो हम क्या करते हैं, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 8 बार, और अगर 100/8 है तो इसका मतलब होता है 12.5%, 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पहले उन्होंने कीमत को 25% बढ़ाया, 4 से 5 किया, फिर उन्होंने उसकी कीमत को घटा दिया, 30% घटाया, यानी 10 से 7 कर दिया। तो पहले देखो, यह है पहले का और यह है बाद का। तो पहले उसकी कीमत क्या थी, 10 से 40, बाद में 7 गुना 35, 5 की कमी आई 40 पर, तो 5/40 इंटू 100% 1/8 यानी 12.5%। ठीक है, ये नॉर्मल था, पहले का क्वेश्चन था। चलो यहां पे आते हैं, इसको देखते हैं। एक घी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घर में खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य से पहले घी की खपत 10 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है ना। तो हमें खपत इतनी कम कर दी कि घर में खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। अब देखो, अब हमें यहाँ पे खपत इतनी कम कर दी, यानी खपत नहीं दिया है, तो हमें खपत निकालनी पड़ेगी। और खपत हम कैसे निकाल सकते हैं, खपत हम निकाल सकते हैं कि मूल्य और अगर हम खर्च का रेशियो निकाल दें, क्योंकि क्या होता है, खर्च बटे में मूल्य, यही खपत का फार्मूला है, खपत बराबर खर्च बटे में मूल्य। तो हमने क्या किया, मूल्य को इधर ले आए कि भाई मूल्य अनुपात खर्च कर देंगे तो खपत का ही अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूल्य है, भाव में 32% की वृद्धि की जाती है, तो आप 32% को कैसे लिखोगे भाई, 32/100 है ना। आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हो है ना, 8 चौके 32 और 25 चौके 100, बस इतना ही कर सकते हो, 8/25 है ना। तो पहले ये कितना था, 25 में 8 की वृद्धि, बोलो 8 चौके 32 और 25 चौके 100, इसके बाद और ये कट नहीं सकता है। तो अगर पहले इसका मूल्य 25 था तो इसमें से 8 की वृद्धि हो जाएगी, सॉरी, अच्छा हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कर रहे हैं, मूल्य में 32% की वृद्धि हुई, मूल्य अपने आप पे 100% होता है, तो 32% की वृद्धि 132 है ना, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 132। उसके बाद खर्च में 10% की वृद्धि हुई है, तो खर्च कितना हो गया है, खर्च हो गया 110। खर्च कितना हो गया भाई, खर्च हो गया 110। अब बस हमें इनको काटना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे काटोगे इनको, 22 पंचे, अगर हम इसको 22 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, हाँ 22 से अगर इसको आप काटोगे तो ये 6 बार कटेगा, 22 से इसको काटोगे तो 22 पंचे 210, 6 अनुपात 5। तो क्या हुआ कि जो खपत का अनुपात आया भाई, वो खपत क्या आ गई, वो खपत आ गई 6 अनुपात 5। पहले घी की खपत 10 kg थी, वृद्धि से पहले, यहाँ पे घी की खपत कितनी थी, 10 kg थी, घी की खपत 10 kg थी, और रेशियो के हिसाब से खपत 6 है, तो अब खपत कितनी है, अब खपत है 5 है ना। तो बताओ, तो आपके पास क्या आया, 50/6, तो 8 6 48 और बचेगा 2 48, तो आपके पास 8 से 1/2 आएगा क्या, नहीं 3 आएगा, 8 से 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 6 48 बचा 2 2/3 कर 2/6 करोगे फिर ये कटेगा, 2 1 2 3 2 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 से 1/3 kg। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इसी को हम लोग अगर रेशियो से करते तो 32% की वृद्धि करते है ना, हम क्या करते, ऊपर खर्च लिखते, खर्च में 10 की वृद्धि हुई थी,
हम 10 से 11 करते, फिर हम उसके नीचे मूल्य लिखते, मूल्य को हम क्या करते 32 यानी 25 में 8 की वृद्धि करते, फिर गुणा कराते, फिर हमारे पास यही आता गुणा कराने के बाद, गुणा कराने के बाद यही आता, फिर हमें काटना पड़ता। तो हमने क्या किया, आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सीधे खपत का रेशियो निकालना है तो आप मूल्य और खर्च का रेशियो निकाल दो, खपत का ही रेशियो होगा, उससे हमने इसको कर लिया। आगे चलते हैं, आगे आपके पास 81 नंबर आगे है 81, इसको समझते हैं। एक परिवार के लिए चावल की कुल खपत 20 केजी प्रतिमाह है, ठीक है। जैसे ही चावल की कीमत में 35% की वृद्धि होती है, परिवार इसकी खपत को कम कर देता है, जिससे चावल का खर्च 8% बढ़ जाता है। चावल की कीमत में वृद्धि के कारण प्रतिमाह चावल की नई खपत। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वृद्धि कीमत की वृद्धि दिया है और खर्च दिया है, हमारे पास खपत मिसिंग है। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर आपको पता है कि खर्च बटे में मूल्य होगा, ये बात आपको पता है। तो मूल्य और खर्च का अगर हम रेशियो निकाल दें, इसका मूल्य और खर्च का, तो ये रेशियो खपत का ही होगा, है ना। चलो मूल्य में क्या हुआ है, कीमत में 35% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो गया 135 हो, भाई 100 में 35 की वृद्धि हुई 135। उसके बाद खर्च केवल 8% बढ़ जाता है, तो खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया 108, है ना। तो इसको आप एक काम करो, 5 3 8 1 9 8 1 9 9 से इसको काट दो, तो 9 1 9 बचा आपके पास 4, तो 9 5 45, फिर 9 1 9 9 2 18 15 12, ये क्या आ गई, ये आ गई इसकी खपत, ये खपत का रेशियो आ गया, है ना। और एक परिवार के लिए चावल की कुल खपत 20 किलो प्रतिमाह है। देखो चावल की कुल खपत इन्होंने बोला है कि 20 किलो प्रतिमाह है, है ना। तो जैसे इन सब में वृद्धि और बढ़त के बाद नई खपत क्या होगी, है ना, के कारण प्रतिमाह चावल की नई खपत, तो ये जो है ये पहले की खपत है 20, तो 15 × 12, तो बताओ जरा क्या होगा। आप इसको 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 4 20, 3 से इसको काट दोगे 4 बार, तो 4 4 16, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 केजी उसकी खपत होगी, नई खपत प्रतिमाह, ठीक है, बात समझ गए, आसान था। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर को देखते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घुमाया है। चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 रुपए का था, जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई। अब देखो टिकटों की बिक्री में वृद्धि हुई, यानी टिकटों की संख्या की बिक्री में, तो यहाँ पे हमें दिया है क्या, संख्या, और संख्या के साथ हम किसका गुणा करेंगे, संख्या के साथ अगर हम गुणा कर दें कीमत का, किसका, संख्या के साथ अगर हम गुणा कर दें कीमत का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा राजस्व, यानी संख्या के साथ अगर हम कीमत का गुणा करेंगे तो हमें पूरा धन मिलेगा, यानी पूरा राजस्व मिल जाएगा। अब बात को समझना, इस क्वेश्चन में यही तीन चीजें हैं, है ना, एक है आपके पास कीमत, और दूसरा ये टिकटों की जो संख्या थी, तीसरा ये राजस्व, ये तीन चीजें हमने लिख लिया। भाई सबसे बड़ा क्या होता है, राजस्व, राजस्व कैसे आता है, संख्या गुणे कीमत, भाई टिकटों की जो संख्या होगी और जितने रुपए में बिकी होगी, तो टिकटों की घटी हुई संख्या क्या है, संख्या में वृद्धि और राजस्व में दिया है, यानी आपसे संख्या पूछा है तो आप क्या करोगे कि राजस्व में भाग दे दोगे, राजस्व में भाग दे दोगे आप कीमत का, बताओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास संख्या आ जाएगी पहले और अब। अब देखो जरा राजस्व में क्या हुआ है, 15% की कमी देखी गई है, राजस्व में 15% की कमी देखी गई है, 15% का मतलब कितना होगा, 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब 20, यानी कि 1/20, ये 5 का 3 गुना है, यानी इसका मतलब होगा 3/20। अगर पहले राजस्व 20 था तो अभी बढ़ के वो कितना हो गया, 23 हो गया, ये हो गया किसका, 15% का मतलब, भाई 5% का मतलब पता है 1/20, ठीक है। टिकटों की संख्या में जो है 50% की वृद्धि हुई है, 50% मतलब 1/2, यानी अगर टिकटों की संख्या पहले 2 थी तो अभी कितनी हो गई है, 3 हो गई है, ये टिकटों की संख्या में वृद्धि हुई है,
तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 40, और ये कितना आ गया 69। बताओ भाई ये कितना आ गया 69। और मैच का टिकट इतने रुपए का था, मैच का टिकट जो है वो 2500 का था। बताओ जरा, जो मैच का टिकट था वो कितने का था, मैच का टिकट जो हमारे पास था वो 2500 का था। कितने का था भाई, जो मैच का टिकट है वो 2500 का है। बोलो घटी हुई कीमत के बाद, है ना। अच्छा, हमसे घटी हुई कीमत इन्होंने पूछी है, कीमत यानी कि मूल्य, और हम लोगों ने क्या निकाल दिया है इसकी संख्या। 15% की कमी देखी गई टिकट की घटी हुई कीमत दशमलव में क्या थी। अच्छा यहाँ पे है ना, तभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा था करने में, हमें यहाँ पे पूछा है कीमत और हम लोगों ने संख्या पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया, तो हमें कीमत निकालना पड़ेगा, हमें मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या मूल्य, तो देखो मूल्य बराबर होगा कि राजस्व बटे में संख्या। तो वही चीज देखो, जैसे हमने वहां किया था खपत बराबर खर्च बटे में मूल्य, अब यहाँ पे क्या है मूल्य बराबर राजस्व बटे में संख्या, तो संख्या इधर आ जाएगी। अगर हम संख्या और राजस्व का अनुपात निकाल दें तो ये किसका रेशियो निकल के आएगा, ये ऑलरेडी मूल्य का ही रेशियो निकल के आएगा। सेम वही चीज है ना, हम लोगों ने संख्या का रेशियो पढ़ लिया था इसलिए हमने संख्या के अकॉर्डिंग उसको कर दिया, लेकिन पूछा कीमत था। टिकटों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है तो 150 हो गया। राजस्व में 15% की कमी देखी गई तो ये कितना हो गया 85%, 85 हो गया। बस अब इसको आपको डिवाइड करना है ना, तो ये कितने से 15 से कटेगा क्या, बोलो कितने से कटेगा ये, हम इसको काटने पड़ेगा भाई मूल्य 50, 5 से काट लेते हैं पहले इसको हम लोग, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 5 1 5 बचा 3, 7 9 35। अच्छा 5 से ही कटेगा क्या ये, 30:17, 5 3 15 0, 5 1 5 बचा 3, 7 9 35, अब आगे कटेगा नहीं है ना। तो मूल्य क्या हुआ है, जिसका मूल्य है वो 30 से 17 हो गया है। ये खपत, ये रेशियो किसका आएगा, ये रेशियो जो आएगा वो मूल्य का ही आएगा। तो मूल्य क्या है, देखो चेन्नई का टिकट का मूल्य इतना था, पहले कितना मूल्य था, पहले मूल्य था उसका 2500, पहले मूल्य था यहाँ पे 30, तो बाद में कितना होगा, हम 17 का क्या करेंगे, हम 17 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है बताओ, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, तो 17 का गुणा कराओ यहां पे जीरो, है ना। हम लोग यहां तक सही कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं भाई कुछ गड़बड़ नहीं है। 85 का 5 और 17 कम 17, 17 3 और 5 25, ऐसा ही आएगा बटे में 3, 3 का भाग देंगे 8 3 का 24, है ना। कितना आया आपके पास, आपके पास आ गया यहाँ पे 5, अच्छा 17 दुनी 34, 17 दुनी कितना हो जाएगा, 17 दुनी होगा 34, 34 34 और 8 12, यानी कि 42। 3 का भी इसमें हम भाग देंगे, 3 का भाग एक बार जाएगा, फिर 4 3 12, फिर 3 1 3, यानी कि ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा,
एक चार एक, है ना, एक चार एक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमें मूल्य का रेशियो पूछा था, तो हम अगर संख्या और राजस्व का रेशियो निकाल ले तो हमें मूल्य का रेशियो पता चल जाएगा। संख्या में 150 की वृद्धि हुई, राजस्व में 85 की वृद्धि हुई है, तो 2500 बटे में 30 इंटू 17 आपका आंसर कितना आएगा, 141.67 ये आएगा आपका आंसर। अगला आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, चलो क्या बोला है, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपए प्रति लीटर था, एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, कितने की, 3045 किलोमीटर की वो यात्रा करता है, और उसकी गाड़ी उसकी कार प्रति लीटर 15 का यूरस देती है, तो 15 से भाग दो तो 15 दूनी 30, 0, 15 से 45 यानी कि है ना 203 लीटर उसका डीजल लगेगा, कितना 203 लीटर उसका पेट्रोल लगेगा। भाई जितने किलोमीटर जाना है हम 1 किलोमीटर का भाग दे देंगे, तो 1 लीटर में वो 15 जाती है, तो 3045 जाने के लिए उसको कितने लीटर लगेंगे, 203 लीटर लगेंगे। तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो हमसे इन्होंने केवल ये पूछा है कि मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, हमसे ये नहीं पूछा है कि भाई उसके पहले क्या था बाद में क्या था। तो देखो पेट्रोल जो था वो था 82 रुपए में, उसमें वृद्धि हुई है 5% की, 5/100, और ये वृद्धि के बाद का मूल्य हो गया, भाई 82 में हमने 5% की वृद्धि कर दी तो वृद्धि वाला मूल्य हो गया, और उसके बाद ये कितना पेट्रोल खरीदेगा, ये खरीदेगा 203, तो हमें पता चल जाएगा कितना खर्चा होगा। तो 5 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 0, और 8 5 40 और 1 41, 41/100 गुणे में 203। ठीक है, आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करोगे, 41 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 1 3 और 4 3 12 का 2 हासिल लगेगा एक, फिर 41 दुना कितना हो जाएगा, 41 दुना हो जाएगा 82 और 1 हो जाएगा 83, यानी कि 832 है ना, यानी इन्होंने दशमलव को राउंड फिगर कर दिया है, तो 832 आपका आंसर सही हो जाएगा, 832.3 आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 832 है ना। इसमें कुछ नहीं था, 82 लीटर का पेट्रोल था, 82 रुपए लीटर, 5% की वृद्धि करी तो हमने उसका 5% की वृद्धि कर दी, ठीक है उसका 5% निकाल दिया, और 203 का क्या हुआ, 203 लीटर वो खरीदेगा बस। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई चलो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को और इसके आगे जो एक क्वेश्चन है इसको हम लोग आपको होमवर्क में आपको ये दे दिया जाता है, आप इनको करने की कोशिश करना, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इनको करने की कोशिश करना, हो जाता है तो ठीक है, नहीं कल इनको बता दिया जाएगा। आज की क्लास का काफी टाइम हो गया है ना, क्लास आपकी लगभग 53 मिनट की हो चुकी है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, आगे इसको समझेंगे। ये इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन बचा था है ना, लेकिन टाइम काफी हो जाएगा, 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा, फिर ये अगला टाइप शुरू होगा ग्राहक वाले क्वेश्चन जो है इनका, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, अगर क्लास आपको सही लगी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो भाई क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।